अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज फिर से लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए कुछ अनभक्तों के ऊपर वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए। उन्होंने क्या क्या सवाल करे हैं और उनको क्या क्या जवाब मिला है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कितनी आगे बढ़ चुकी है और कितने लोगों ने हिंदू राष्ट्र बना दिया है, कौन प्रधानमंत्री है कौन नहीं, आइए सब कुछ हम लोग वीडियो में देखते हैं। सब इंडियन चाहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, अखंड भारत सबका है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब्बू आ रहे हैं। एक तो अपने देश की समस्या सुधर नहीं रही, आपको अखंड भारत चाहिए। एक तो सब कुछ महंगाई चल रही है देश में, आपको अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत में क्या है? मतलब हम अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो हम इंडियन नहीं होंगे। बच रहा है जो जो अखंड भारत की बात, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। अच्छा ये बताओ आप इंडियन हो के नहीं, इंडियन हो के नहीं? समझा। अच्छा ये बताइए आपको क्यों लगा हम इंडियन नहीं, क्यों मेरे हाथ में पापा नहीं है, टीका नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम जो है मुसलमान है तो इंडियन नहीं हो? मैंने ये बड़ी अच्छी बात कही। देखा अखंड भारत की ये बात चल रही है, मतलब अखंड भारत आप मानते नहीं हो? आप मानते नहीं हो अखंड भारत हमारे इंडिया का है? आप मानते नहीं हो अखंड भारत हमारे इंडिया का है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसमें अखंड भारत पे बात कीजिए। आप चाहते हैं बांग्लादेश म्यांमार ये सब आ जाए? आ जाए क्यों नहीं आ जाए? मुसलमानों की आबादी कितनी हो जाएगी किसकी यहाँ पे? अरे मुसलमानों से उसे मतलब 20 करोड़ है, फिर 80 करोड़ मतलब 20 करोड़ है, फिर 80 करोड़ जाने। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र यार एक ही तो देश है, हिंदू राष्ट्र का क्यों नहीं बनेगा? तो बराबर की आबादी हो जाएगी ना फिर जब सब आ जाएंगे तो? बराबर की आबादी हो जाएगी ना फिर जब सब आ जाएंगे तो? सब बस बेटा, सब इंडियन चाहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, अखंड भारत सबका है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, मैं नहीं चाहता, मैं दुश्मन देश पाकिस्तान को लेना नहीं चाहता। एक तो अपने देश की समस्या सुधर नहीं रही, आपको अखंड भारत चाहिए। एक तो अपने देश की समस्या सुधर नहीं रही, आपको अखंड भारत चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तो सब कुछ महंगाई चल रही है देश में, आपको अखंड भारत चाहिए। कैसी बात कर रहे हो यार? अखंड भारत में क्या है? मतलब हम अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो हम इंडियन नहीं होंगे? अखंड भारत में क्या है? मतलब हम अखंड भारत के पक्षधर नहीं होंगे तो हम इंडियन नहीं होंगे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग। 2024 में आएंगे मोदी जी और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र। यो टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, यो टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे। बुरा नहीं मानना सर, कहा टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे तो आप मंत्री है क्या पाकिस्तान के? मैं आप मंत्री है क्या पाकिस्तान के? मैं गजब बेइज्जती है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। यो पाकिस्तान जाएंगे और हम बेच करेंगे, हम मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान में आपकी रिश्तेदारी है क्या? पाकिस्तान में आपकी रिश्तेदारी है क्या? इनके चाहने से अगर हो जाए तो ठीक है, बहुत लोग चाह रहे हैं, अगर इनके चाहने से हो जाए तो ठीक है, इनके चाहने से हो जाएगा। आप चाहते हैं इनके चाहने से हो जाएगा? हाँ। जो जैसे चलता चला आ रहा है वो चलेगा। हाँ। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में, बताइए। नहीं पहले क्या हिंदू राष्ट्र था? हाँ, पहले क्या था, जब मुगल था, अंग्रेजों का जमाना था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे यहाँ पे। हाँ, रहते थे। फिर तो अब क्या दिक्कत है? तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आपने एक और तो ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान भी लेंगे? हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा, फिर तो मुसलमान भी आएंगे। हाँ। फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी हिंदू। प्यारी समझ गई। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में, बताइए। नहीं पहले क्या हिंदू राष्ट्र था? बात तो सही है। हाँ, पहले क्या था, जब मुगल था, अंग्रेजों का जमाना था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे यहाँ पे। हाँ, रहते थे। फिर तो अब क्या दिक्कत है? इनके चाहने से अगर हो जाए तो ठीक है, बहुत लोग चाह रहे हैं, अगर इनके चाहने से हो जाए तो ठीक है, इनके चाहने से हो जाएगा। आप चाहते हैं? हम इनके चाहने से हो जाएगा। जो जैसे चलता चला आ रहा है वो चलेगा। उनके चाहने से बन जाएगा, उनके चाहने से बन जाएगा। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी हो गई, मंदिर के लिए पत्थर भी आ गया, मूर्ति भी तैयार हो गई है। तारीख भी हो गई, मंदिर के लिए पत्थर भी आ गया, मूर्ति भी तैयार हो गई है। जैसे ओवैसी साहब या इधर जिन लोगों को दिक्कत है पाकिस्तान भेज दो। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप दादा यहीं पे रुके थे तो हम क्यों जाएं पाकिस्तान? आप जय सियाराम बोलेंगे इनका पूछना? नहीं बोलेंगे। इस फेक मुस्लिम का तो पोल खुल गया। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र गजब बेइज्जती है। क्यों, क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे जैन से, उनका तो कहना है कि सब रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोग किस तरीके की लगी, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।